बनाना चाहते हो ये डिश? फ्रेंड्स, रक्षाबंधन आ रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि चलो कुछ नया बनाया जाए, तो मैं मटरी बनाने जा रही हूँ। इंद्राज एफटीवी में आपका स्वागत है। तो मैंने 1 kg मैदा लिया है, इसे अच्छे से छान ले रही हूँ। छान लेने से अच्छा टेक्सचर आ जाता है। अब इसमें हम लोग मंगाना ज्वाइन लेंगे, इसे अच्छे से क्रश कर लेंगे। हाफ टी स्पून नमक स्वादानुसार, थोड़ा कम रहेगा तो सही है, ज्यादा रहने पे नमकीन खराब हो जाता है। और इसमें हम लोग मार के बाद भर भर कर कसूरी मेथी डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। को अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें हम लोग ऑलिव ऑयल डालेंगे, आप जो भी ऑयल खाते हो वो ऑयल डाल सकते हो। मैं ऑलिव का एक्टिव ऑयल यूज करती हूँ, वो डालते हैं। मैंने एक कटोरा ऑयल लिया है, देखते हैं इसमें कितना लगता है। मैं हाफ डाल लेती हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और इसे थोड़ा हार्ड गूंथना है, आटे की तरह नहीं गूंथना है, सिर्फ मिक्स करना है। अगर मैं आटे की तरह गूंथ लूंगी ना इसे, तो फिर ये मतलब वो परत नहीं आ पाएगा, इसलिए इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ दोनों हाथों से। बाइंडिंग आनी चाहिए ऐसे मुट्ठी बांधने पर, ये भी होने लगे इसमें बाइंडिंग आनी चाहिए, तभी हमारी पस्ता मटरी बनकर रेडी होगी। दोनों हाथों से ऐसे मिक्स करेंगे, इसे हमने दोनों हाथों से मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। सारा इसमें मिक्स हो गया है, मेथी नमक सोडा सा ऐसे ऐसे करके। ये देखो मुझे ऐसा चाहिए, मुट्ठी बांधूँ तो ऐसा होना चाहिए टू, अगर ऑयल कम होगा ना तो हमारी कटोरी खास्ता नहीं होगी। इसे हम लोग पूछ लेते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना, ऑयल कम देते जो भी हो, मुझे ऐसा ही चाहिए। इसे हाथ से ऐसे टच करने पर, ये कटोरे इसे मैं हल्का हल्का ऑयल पानी लेकर ऐसे छीका मार मार कर आटा की तरह नहीं गूंथना इसे, और इसे कस ऐसे मिक्स करना है। पेशेंस रखना होता है खाना बनाने में, वरना टेस्ट नहीं आता। इसे हल्का हल्का पानी डालकर ऐसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी पहले। अच्छा बंधन मैं आपके लिए घर पर बनाऊँ, बहुत ही इजी है और टेस्टी भी है, सबको अच्छा लगेगा नमकीन। आटे की तरह ऐसे ऐसे नहीं गूंथना है, इसे सिर्फ मिक्स करना है ऐसे ऐसे। जो दिख रहा है ना आपको अलग अलग परत, मुझे ऐसा ही चाहिए। इसमें भी और पानी जाएगा, मुझे ऐसा ही चाहिए, आटा जैसा नहीं। तो मैं इसे मिक्स कर लूँगी और सिर्फ हाथ से ऐसे कर लूँगी, ये मछली रेडी हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा और पानी जाएगा, अभी थोड़ा थोड़ा करके ही पानी यूज करें, एक बार डालने से वो गीला हो जाएगा फोटो, फिर हमारी मटरी खस्ता नहीं बनेगी। और इसमें सोडा भी आपको मतलब अगर 1 kg है तो हाफ टी स्पून ही लेना है, नहीं तो फिर सोडा से भी टेस्ट खराब हो जाता है खाने का। से दोनों हाथ से ऐसे ऐसे मिक्स कर लेना है, मैंने हाथ को अच्छे से वॉश कर लिया था। आप लोग की नमकीन इसलिए खास्ता नहीं बनती क्योंकि वो आटे की तरह आप लोग मैश लेते हो, तो आप ये ट्रिक फॉलो करो, बस इसे मिलाना है। और जब भी बनाते बनाते लगे कि थोड़ा सूखा हो गया है तो फिर आप ऊपर से पानी थोड़ा सा छिड़क लो, इसे नीचे सूखी सी लग रही है।
टेस्ट करने के लिए आ गए। 10 मिनट में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद फुल्का इसे बटर की कढ़ाई गर्म कर लेते हैं। ये बैठा दी है इसे हाई फ्लेम में, इसमें ऑयल डाल देती हूँ। मैं ऑलिव ऑयल एक्टिव यूज करती हूँ, हार्ट के लिए और बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मुझे थोड़ी खुली मुंह वाली ही कढ़ाई लेनी है, क्योंकि वो जो गढ़ी वाली होती है ना उसमें अच्छे से फैल कर नहीं आती, तो जब हम अपनी मटरी डालेंगे ना तो वो अच्छे से फैल कर आएगी। ये हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा था, अभी अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसके हमने छोटे छोटे गोले कर कर, और इसे कुछ नहीं करना, बस ऐसे हाथ से एक जगह करना है, इसे कुछ भी हाथ से गोला वगैरह कुछ नहीं, बस ये हाथ की ये तलकती से बस इसे यूं शेप दे देना है। सारे हमें ऐसे ही राउंड कर कर, बस सिंपल सा, आप जैसा भी बड़ा छोटा जो भी चाहते हो ऐसे, और दैट्स इट, ऐसे कर कर सारा रेडी करना है। ये आप देख रहे हो ये मैंने गूथा में, बस इससे छोटा छोटा गोला निकालते जाना है, हाथ से ऐसे राउंड करना है और से ऐसे मिक्स करके कमेंट में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आए तो आप लाइक करें। ऑयल हमारी गर्म हो गई है, अब इसमें हम मटरी डालते हैं। मैंने सारी मटरी इसमें डाल दी 8 से 9। अब इसे मीडियम फ्लेम में ही रखना है और इसे धीमी आँच में पकने देना, पेशेंस रखना है, क्योंकि विदाउट पेशेंस ये होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है पकने में। आप फ्लेम ज़्यादा रखोगे तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा बट अंदर से कच्चापन ही रह जाएगा, इसलिए धीमा आँच में ही इसे पकाना है। मैं 8 से 9, ये जब पक जाएगा तो ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगा, और ये फैलती भी है हल्का, तो साइज हल्का छोटा ही रखें। ये पक रहा है तब तक हम लोग और मटरी रेडी कर लेते हैं। फिर देखो मटरी बनाते वक्त जब आप इसे पलटोगे ना, ये देखो ये ऐसे खिल जाएगा, इसीलिए मैंने बोला था कि आप इसे पतला ही रखना, पहले परत सारे खिल जाते हैं तो इससे क्रिस्पी बने। और इसकी खुशबू क्या आ रही है गाइस, मैं क्या बताऊँ, मस्त खुशबू आ रही है। ये जो कस्तूरी मेथी डालते हैं ना, बहुत ही अमेजिंग खुशबू आती है, और बाहर बारिश का मौसम और घानी रेडी हो गई। ये देखो आप कितना अच्छा खास्ता बना है, देखते हो आप इसकी परत। इसी ट्रिक से बनाओ, आटे को वैसे गूंथना नहीं, जैसे हमने मिलाया था बताया था आपको वैसे सिर्फ मिलाना है, और ऐसे ही परत एकदम बिल्कुल मार्केट जैसी आपकी बनकर घर पर रेडी हो जाएगी। अगर आप मार्केट में लेने जाओ इसी मटरी को तो आपको 300 से 400 रुपये केजी मिलता है, और आप घर में कितना, मतलब 40 रुपीज़ मैदा का ले लिए रिफाइंड का, और बाकी ये घरेलू चीज़ से ही बन जाता है घर पे ही, मैदा नमक मंगरेला अजवाइन ये सारे घर के ही आइटम से ही हम घर पे आराम से कस्तूरी मेथी का डालकर आराम से मटरी रेडी कर सकते हैं। मैंने सारे ये बॉल्स बना कर रख लिए, इसे बस कुछ नहीं करना है, ऐसे खींच खींच कर जैसे मैंने बताया था वैसे करना, और बस इसे ऐसे हैं तलवे से ऐसे बस ये देखते हो हमारी सारी मटरी बनकर रेडी हो गई। करके इसे 1 महीने तक आराम से चलाएं। ये मटरी रेडी हो गई है तो मैंने इसे एक जार में डाल दिया है, अब एयर टाइट जार है तो इसे हम 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं।